देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो हाई स्कूल पास आउट है, उसका नाम विवेक शर्मा है और रायबरेली शहर का रहने वाला है। ये शख्स देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है, ये 70 तरह की आवाज़ें निकालता है। इसी से अभी हम आपको आवाज़ सुनाएंगे, मिमिक्री करता है, कई प्रकार की आवाज़ें, कई लोगों की आवाज़ें निकालता है और एक रायबरेली शहर के एक छोटे से मोहल्ले का रहने वाला और हाई स्कूल पास आउट है। इसी से जानेंगे आखिर किस तरह से आवाज़ निकालता है और कहाँ से सीख के आया है। बेटा क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम विवेक शर्मा है। कहाँ रहते हो आप? पुलिस लाइन विकास नगर। पिताजी क्या करते हैं? आशा एलियन की दुकान है। अच्छा, कितनी आवाज़ें आप निकाल लेते हो? टोटल 70 प्लस वॉइसेस हैं। मेन कौन सी? लगभग 10 आवाज़ें सुनाओ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बर्ड्स की वॉइस सुनाता हूँ, जो बर्ड्स रहती है। जी, और जो R15 जो बाइक होती है वो कैसे आवाज़ आती है? और जो बच्चा रहता है जो जन्म लेता है छोटा सा, वो रोता कैसे है? जी, और उसकी क्या बोलते हैं, जो मौत की जो बाइक चलती है उस टाइम के बाद देखिएगा। और बुलेट की है, एम्बुलेंस की है, और जो क्या बोलते नरेंद्र मोदी जो देश को संबोधन करते उस टाइम के बाद देखिएगा। भारत माता की जय। और जो राजकुमार जी हैं उनकी बात देखिएगा। अरे सारी या गोलियों की बरसात से, या तलवारों की धार से, बंदा रहता है तो पर्वत दिखार से। जी, ये कहाँ से बेटा आप सीख के आए हो? कैसे ये कला आपके दिमाग में आई? कैसे आप लोग इस तरह करते हो? खुद से निकालते हैं, कहीं सीखा नहीं है, सब भगवान की देन है। कितने सालों से आप ये कर रहे हो सर? ये मतलब बचपन से पहले निकालते थे, तो मतलब लोग कहीं की फैमिली मतलब पागल बोलते यार ये पागल हो क्या, किस तरह से निकाल रहे हो आवाज़? तो बीच में फिर हमने रोक दिया, फिर और बड़े हुए फिर हमने कहा निकालना शुरू किया। अच्छा, सरकार से क्या चाहते हो, किस तरह से आपकी मदद हो ताकि आप और आगे तक बढ़ सकें? मतलब सरकार से ही मदद की मुझे एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाए और देश और नाम रोशन करें। इसको लेकर कभी किसी से संपर्क किया, किसी अधिकारी से बात की, किसी राजनेता से बात की आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं है। जी, तो क्या चाह रहे हैं, अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं आप? ये मुझे मतलब एक कोई टीवी शो में या टीवी सीरियल में टैलेंट दिखाने का एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाए। जी, ये देख सकते हैं विवेक शर्मा है, छोटा सा बच्चा, अभी हाई स्कूल जो है पास आउट है। इसके अंदर किस तरह से प्रतिभा है वह अभी आपने देखा है। लगभग 70 से अधिक तरह की ये जो मिमिक्री करता है, आवाज़ निकालता है, और इसको भी अब सरकार से उम्मीद है कि सरकार शायद इसका ध्यान दे, जिला प्रशासन इसका ध्यान दे और राजनेता इसका ध्यान दे, ताकि ये अपना जो इसको एक प्लेटफॉर्म मिल सके और जो इसके अंदर प्रतिभा है वो पूरे देश तक बिखेरने का काम कर सके। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।